शरीफा इतना काम बहुत हमारा मत लेना अभी तो आ जाएंगे वैसे भैया हमारा मुकदमा लिख रहा हाँ। थाने में सब कुछ दर्ज है और वे दो दिन से हमें घसी का परिवार राकेश से हमें दुखी कर रहे थे बहुत ज्यादा इसे मुकदमे को वापस ले ले अन्य हम इस पे झूठा आरोप लगा देंगे। कल फिर पुलिस गई भी थी रात उसे ठा कर ले आई सवेरी फिर मंजीत और राजू मेरे घर गए और भैया उन्होंने नुकैया तो ऐसा केस को वापस ले लेनी मार के पता देखिए एक व्यक्ति हैं उन्होंने आत्महत्या की है फांसी लगाकर बैसुमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोलगांव का मामला है। इसमें ये बात सामने आ रही है कि जो इनकी बालिका है उसका किसी सामाजिक भय के कारण या अन्य कारणों से इन्हें कुछ बेइज्जती महसूस हो रही थी इसके कारण इन्होंने फांसी लगाई है ऐसा इनके द्वारा इनके परिवार के द्वारा कहा जा रहा है। उसमें अन्य भी कई बातें सामने आ रही हैं जैसे कि सोशल मीडिया पर फोटो इत्यादि का वायरल होना भी उन सभी की जाँच की जा रही है उनसे एप्लीकेशन ली जा रही है। अगर कोई ऐसी बात होती है या कहीं से भी वायरल होने का सबूत मिलता है तो उसमें आईटी एक्ट की धारा भी जोड़ी जाएगी अन्यथा उसमें धारा 306 जो कि आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरण का मामला है उसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। जितने लोगों के खिलाफ तहरीर आएगी उतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।